Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sitansu. Happy birthday to you. भगवान करे कि ग्रोइंग राइज एंड ग्रोइंग राइज एंड ग्रोइंग. वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे विशेस बाय ज्ञानराजन पटनायक. बिग क्लैप. वन ऑफ द ब्यूटीफुल बर्थडे वी आर सेलिब्रेटिंग एट लखनऊ ब्रांच ऑफिस. टुडे इज द वेरी वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल डे. आई एम फॉर्चुनेट एनफ लास्ट ऑलमोस्ट टू बर्थडे आई एम ऑल्सो प्रेजेंट विद दिस पर्सन. होप सो एंड प्रे टू द गॉड प्रे टू द ऑलमाइटी गॉड. He have make a good team and making lot of success in this year. And once more time, happy birthday to Mr. Sitansu. Big clap for Sitansu. So, अभी बर्थडे सर भी यहाँ प्रेजेंट है और राम सर भी हैं. तो ये आज देखिएगा कितना बढ़िया बेस्ट माहौल के अंदर हम लोग अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सितंशु इज अ वेरी फॉर्चुनेट एनफ. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस में डेवलप कर रहे हैं. लास्ट दो बर्थडे भी मैंने उनके साथ सेलिब्रेट किया एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज भी हम यहाँ पर प्रेजेंट है. जिस दिन उनका बर्थडे पड़ा हुआ है सुबह उनका पोस्ट देखते हुए हमको भी बड़ा अच्छा लगा. तो आइए सुनते हैं उनके बारे में कुछ अच्छे बातें कुछ एसोसिएट लोगों के पास. तो उनमें से क्या अच्छा ही है लास्ट कुछ साल के अंदर उन्होंने क्या अच्छा ही किया मैं उनके कुछ एसोसिएट से आपसे जरूर मिलाऊंगा. और साथ में आपको मैं बोलना चाहूंगा कि गोवा अचीवर जिन्होंने नेशनल फ्लाइट में बैठ के लखनऊ से यूपी से गोवा तक सफर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाला समय पे और भी कुछ धमाका करने वाले हैं. तो पहले तो सुनते हैं मुशर्रफ से. तो मुशर्रफ तो अभी इन्होंने ये मिस्टर मुशर्रफ आप उनके दोस्त हैं तो बोलिए सितंशु के बारे में कुछ अच्छा. वो कैसा पर्सन है सितंशु? बहुत बढ़िया लग रहा है. मेरा भाई का बर्थडे आज मतलब एक साल भी मनाए थे पहले मनाए थे. अगली बार मनाएंगे इससे बेहतर होटल में. एक पोजीशन होगा एक अपना टीमों का बढ़िया सा. और उनका उनका अच्छा बात आपको क्या लगता है सबसे अच्छा क्या बात लगता है? अच्छा बात सर इनमें यही है कि ये मतलब टीम के साथ दोस्तों के साथ अपने मिलजुल के रहते हैं. मतलब एक फ्रेंड की तरह ये लगता नहीं सीनियर है मेरा दबा के रखे ऐसा कुछ नहीं. एक दोस्त फ्रेंड की तरह रहते हैं काम करते हैं बिंदास कोई टेंशन नहीं. वाह वंडरफुल बहुत अच्छा. और या मिस नेहा नेहा बताओ सितंशु के बारे में एक अच्छा बात बोलो. अच्छा बात ये है कि हेल्पिंग हेल्प करता है कभी भी बुलाओ तो टाइम से पहुंच जाता है. बाकी बहुत अच्छा पर्सन. थैंक यू सर. बहुत अच्छा बहुत अच्छा थैंक यू सो मच. तो अभी इनको कैश गिफ्ट करते हुए और इनको कई लोग अभी दिवाली में गिफ्ट देंगे मिठाई देंगे क्योंकि जिनका या हमारा यहाँ नियम होता है जिनका बर्थडे में आप आते हो तो उनको एक गिफ्ट देना पड़ता है. तो आप लोग गिफ्ट लाए हो? yes. कहाँ है? जितना लोगों ने केक खाया तो हम उनको गिफ्ट देना पड़ेगा. अभी चाहे कोई चॉकलेट हो कोई गिफ्ट हो कोई डायरी हो पेन हो लाकर सितंशु भाई को देना ताकि आपकी जब बर्थडे होगा तो आपको भी मिलेगा है ना. तो हेल्पिंग एटीट्यूड के बारे में बताया. सिलू हैप्पी बर्थडे के बारे में जो हैप्पी बर्थडे बॉय है
मिस्टर सीतांशु, उनके बारे में कुछ अच्छा चीज बोल दो। एक ही चीज बोलेंगे, बहुत ही कोऑपरेटिंग एटीट्यूड है, ऑलवेज कोऑपरेशन मिलता है और बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत मस्त बंदा है। एक ही चीज बोलेंगे, दो लाइन बोलना चाहेंगे तो सीतांशु सर को चाहेंगे वो अपने लिए दो लाइन सुने कि प्यारा सा चेहरा प्यारी आवाज, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं हर सिचुएशन में, तो प्यारा सा चेहरा प्यारी आवाज और मस्ती में रहते तो डिफरेंट अंदाज, और परफेक्ट पर्सनालिटी है इनका तो डिफरेंट अंदाज है, हमेशा मस्त रहते तो यही बोलेंगे, और बहुत ही हेल्पिंग एटीट्यूड है, और भगवान करे सर उनका बड़ा पिन हो, उसके साथ साथ हम भी फ्लाइट में बैठे, यही बोलेंगे। और बहुत मजा आ रहा है, मतलब एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट मिलता है, बहुत मस्त। वाह, थैंक यू। और निधि कुछ बोलो सीतांशु के बारे में, क्या अच्छा ही है उसमें? सर सीतांशु एक बहुत ही अच्छा लड़का है, हमेशा कोऑपरेट करता रहता है, और जो है जब भी मतलब जरूरत होती है हमेशा खड़ा रहता है आगे, और चाहे कोई भी चीज़ हो, और यही भगवान से भी दुआ है, और हम भी यही चाहेंगे कि जो भी अच्छी हो वो डिजर्व करता है, उसको इस बार वो चीज़ मिले, और इस बार उसकी बाइक होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम पर। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और यहाँ पर यस, यू बोलो, आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम? अच्छा अंशिका, आपने जितना दिन से सीतांशु भाई को देखा उनमें क्या अच्छा ही है? उनको गिफ्ट देते हैं, वो बात सुनते ही तुरंत अंशिका ने गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा